अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज 360। नाजरीन, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान में मूवीज बनना शुरू हो गई हैं। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की मूवी मौला जट, जिसने पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़े, ये बहुत ज़बरदस्त बात है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए और आने वाले वक्त के लिए। फिल्मों की अगर बात की जाए तो फिल्म बहुत सारे जॉनर्स पे बनती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बनती हैं, और ये अगर इस तरीके से कहा जाए कि फिल्म जो है वो बहुत मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं, और जब ये किसी गुलदान में सजते हैं तो खूबसूरत लगते हैं। हर बंदे का अपना टेस्ट होता है और हर बंदा अपने मिजाज के मुताबिक मूवी देखने सिनेमा घरों का रुख करता है। मूवी हर टॉपिक में बनती है, चाहे वो सोसाइटी का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो, या फिर वो कोई एंटरटेनमेंट की मूवी हो, या सिर्फ कॉमेडी मूवी हो। मतलब मूवी का जॉनर जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। आज हम आज के मुद्दे पर इस टॉपिक के हवाले से क्यों बात करें, आज हम ये बात इसलिए करें कि पाकिस्तान में 18 नवंबर को एक ऐसी मूवी रिलीज होने वाली है जो रिलीज होने से पहले ही तनाजात का शिकार हो गई है। मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त मूवी और आलमी सतह पर ये कामयाबी के झंडे ऑलरेडी गाड़ चुकी है। कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत चुकी है और ऑस्कर के लिए नामजद ये मूवी है। जॉयलैंड इस मूवी का नाम है। मूवी जो है वो एक ट्रांसजेंडर के गिर्द घूमती है और कहानी कुछ यूँ है कि एक शादीशुदा शख्स को ट्रांसजेंडर से इश्क हो जाता है और वो फिर उसकी पूरी कश्मकश दिखाई है। खैर, आज हम इस हवाले से बात यूं भी करें कि तीन सेंसर बोर्ड हैं पाकिस्तान के, तीनों से ये पास हो गई है, मगर मुल्क का एक तबका इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है कि इसे बैन होना चाहिए। ये हमारे माशरती और सकाफती इकदार को पामाल कर रही है मूवी और इसे रिलीज़ नहीं होना चाहिए, जिस पर ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। अगर हम ये मूवी की बात करें तो इंडिया में लोग जो हैं वो लाइन लगा के खड़े हैं इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी पूरी दुनिया में पसंद की गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी को शायकी ने फिल्म ने खड़े होकर तालियां बजाकर सराहा है। इस लेवल की मूवी है। तो ये मूवी जो है अब आने वाली और आने से पहले तनाजात का शिकार हो गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि मूवी ऑस्कर के लिए ऑलरेडी नॉमिनेटेड है और ऑस्कर का क्राइटेरिया ये है कि मूवी जिस भी मुल्क में बनी होती है वो वहाँ पर वहाँ के सिनेमाघरों में एक हफ्ता बिला ताखीर वो लगनी चाहिए और उसके बाद वो ऑस्कर की क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है और ऑस्कर जीत सकती है। ये तो कबलस वक्त ही होगा कहना कि ये मूवी ऑस्कर जीतती है या नहीं, लेकिन अगर ये मूवी पाकिस्तान के सिनेमाघरों की जीनत नहीं बनी और इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गई, जिस तरह माजी में हमारी बाकी फिल्में भी हुई जिनमें जिंदगी तमाशा और मालिक जैसी मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मूवीज हैं वो सर फहरिस्त हैं, तो ये मूवी भी हम ऐसा कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि हम एक ऑस्कर विनिंग मूवी से हाथ धो बैठेंगे। और इस हवाले से इस मूवी की स्टार कास्ट भी बहुत ज़्यादा बात कर रही है। सरवत गिलानी बहुत ज़्यादा बात कर रही हैं, ट्विटर पे इसके हैशटैग चल रहे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के बाकी अदाकार भी इस हवाले से बात करें कि मूवी को रिलीज़ होना चाहिए और किसी भी चीज़ के बारे में उसको देखने से पहले एक राय कायम कर देना बहुत ज़्यादा गलत है। और वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब से ये गुजारिश की जा रही है इंडस्ट्री के तमाम फनकारों की जानिब से, अदाकारों की जानिब से, कि भाई इस फैसले पर नज़रसानी करें और मूवी को रिलीज़ होने की इजाज़त दे दें। ताहम इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे एक ऐसे सहाफ़ी जो इंटरटेनमेंट बीट पर खासी नज़र रखते हैं और जिनके कॉलम जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल दोनों लेवल पर छपते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन काज़मी साहब। सबसे पहले तो हसन, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि फिल्म जॉयलैंड इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, फिल्म में ऐसा क्या है? जॉयलैंड कंट्रोवर्शियल नहीं है। जॉयलैंड एक फिल्म है, एक पाकिस्तानी फिल्म है और ये वो फिल्म है जिसने कांस और दूसरी जगहों पे अपना नाम कमाया है। दुनिया भर में इसको पजीराई मिली है, इज्जत मिली है। जॉयलैंड कंट्रोवर्शियल नहीं है। जॉयलैंड से मुतालिक कुछ लोगों के ख्यालात मेरा ख्याल है कि मुतनाज़ा हैं, जो हर बात को मसला बना लेते हैं पाकिस्तान में। ये वही बात है जो मसला बनाया गया है बिलावजह का, जिसमें ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि ये कोई हमजिंस परस्ती की तशहीर के लिए फिल्म बनी है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये फिल्म एक लड़के के ट्रांसजेंडर से मोहब्बत की, इश्क की कहानी है। ये हरगिज़ जो है हम जिंस परस्ती की फिल्म नहीं है और ये वो बात है जिसको खामखा से प्रोपेगेट किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ मौलवी हजरात शामिल नहीं है, इसमें दूसरे भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जो शायद अपने आप को लिबरल समझते हैं या कहते हों। तो हसन, जैसा कि आपने बताया कि खास तबके के लोग शामिल हैं जो अपने आप को लिबरल कह रहे हैं इस फिल्म को रुकवाने के लिए, तो ये इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल लिंक करता हुआ ये है कि एक आम तासुर है कि मजहबी तबके की जानिब से इस फिल्म को रुकवाया जा रहा है, तो ये बात कितनी दुरुस्त है?
देखिए, मजहबी तबके की जानिब से रुकवाया जा रहा है या जिसकी जानिब से रुकवाया जा रहा है, सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक सेंसर बोर्ड मौजूद है और ये फिल्म वफाकी और सिंध और पंजाब सेंसर बोर्ड से अपना सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी है, जिसने इसे 18 साल से ज्यादा लोगों के लिए यानी बालकों के लिए मौजू फिल्म करार दिया है। सही। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर वजारत इत्तला व नशरियात के अंदर कायम सेंसर बोर्ड ने भी इसको पास कर दिया था, तो अब इसको किसी के भी कहने पे, एक छोटे से ग्रुप के कहने पे रोकना, क्या पाकिस्तानी रियासत जो है वो इस तरह के चंद लोगों की कहने पर चलेगी या वो एक उसका एक कानून है, उसूल और जवाबित है, उसके तहत चलेगी? फिल्म को सर्टिफिकेट देकर रिलीज का सर्टिफिकेट वापस ले लेना, अगस्त में सर्टिफिकेट दिया था नवंबर में वापस लेना, ये कहाँ के दुख है? यही आपने जिंदगी तमाशा के साथ किया था और यही आपने अब इस फिल्म के साथ किया है। तो ये मुतनाज़ा चीज़ें हुकूमत खुद बना रही है, जॉयलैंड को मुतनाज़ा हुकूमत ने बनाया है, जॉयलैंड मुतनाज़ा नहीं है। जॉयलैंड को मुतनाज़ा हुकूमत बना रही है, जॉयलैंड खुद मुतनाज़ा नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि सेंसर बोर्ड से फिल्म पास हो चुकी है। अच्छा हसन, यहाँ पर ये खबरें भी हैं कि फिल्म जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है, तो ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं हुई तो ऑस्कर नहीं जीत पाएगी, इस बात में कितना सच है? जी, इस पे थोड़ी सी वजाहत करने की ज़रूरत है। ऑस्कर के जो उसूल है, वो जवाबित हैं, जो कवानीन है ऑस्कर के, उसके तहत फिल्म को अपने मुल्क में जहाँ से वो आई है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ऑफिशियल एंट्री है, तो इसलिए इस फिल्म को पाकिस्तान में कम से कम एक हफ्ता नुमाइश होनी चाहिए थी। सही। तो 18 नवंबर को इसकी नुमाइश थी, अब इसकी नुमाइश नहीं हो रही, तो क्या ये ऑस्कर वाले इसे देखेंगे या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन ऑस्कर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ मुस्तस्नियात होती हैं, तो वो देखना पड़ेगा कि क्या ये उनमें आ सकती है या नहीं। लेकिन अभी लग रहा है कि शायद ये ना लग पाए, लेकिन अभी हतमी ऐलान इस बारे में कुछ नहीं हुआ। अभी हतमी ऐलान इस हवाले से कुछ भी नहीं हुआ। हसन, हमने ये भी सुना कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो फिल्म साजों की आपसी लड़ाई का शिकार हो गई है, इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, फवाद चौधरी जो है वो खुद वजीर इत्तला'आत रही हैं, मेरा ख्याल है उनका बयान इंतहाई नामुनासिब है। मैंने पहले भी बताया था कि 11 तारीख को फिल्म आनी थी 11वें और लिटेज बटन, मगर पीछे से मौला जट चूंकि बहुत कामयाब हुई, इसलिए उन लोगों ने अपनी फिल्मों को 2-3 हफ्ते आगे कर दिया। पाकिस्तान में फिल्म साज इस तरह हरगिज नहीं करते। जो वाहिद मसला फिल्म साजों का होता है वो ईद पर होता है, और ईद के ऊपर थोड़ी बहुत छीना झपटी जरूर होती है, वो हमने देखी है। ये ईद के अलावा ऐसा हरगिज नहीं होता, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जॉयलैंड तो उस तरह से कोई कमर्शियल फिल्म ही नहीं थी कि जिसको स्क्रीन ज्यादा या कम की बात थी, ये तो एक सादा सी कहानी है। और इस फिल्म को तो इतना ज्यादा कोई था भी नहीं कि इसको कुछ 200 स्क्रीन चाहिए या 100 स्क्रीन चाहिए, मतलब स्क्रीन से मुराद यहाँ पे शो है कि 100 शो चाहिए या 200 शो चाहिए। ये तो एक सिंपल सी थी, हर सिनेमा में इसके एक एक दो दो शो होते हैं और बस खत्म हो जाती। इतना ज्यादा था भी नहीं, इस तरह की फिल्में ज्यादा तवक्को भी नहीं की जाती। इसको ये कहना कि फिल्म साजों ने रुकवा दी या फलाना कर दी, ये फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ही इस बात से नाबलद हैं, और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया उन्होंने। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन काजमी साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ज़्यादा तफसीली तौर पर आपने बताया कि फिल्म किस तरीके की कंट्रोवर्सी का शिकार हो रही है। तो नाज़रीन, ये था आज का मुद्दा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रोग्राम से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।